Redmi Note 4 के लिए रिकोलोनो रोम का जो है स्टेबल 12.5.3 का स्टेबल जो कि एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम आया हुआ है। और इस बिल्ड में जो है हमें क्या कुछ देखने को मिल जाए तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि Redmi Note 5 Pro के लिए ऑलरेडी रिव्यू जो है कर दिया था, लेकिन यहाँ पे Note 4 के लिए हम देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है इसके अंदर। हालांकि रोम जो है आपकी ऐसे अगर हम बात करें तो काफ़ी स्मूथ है, बाकी गेमिंग कैसी देखने को मिलती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और क्या कुछ बग्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। रिकलिनो इन्फो के अंदर अगर हमें चलते हैं तो MIUI रिकलिनो एडिशन 12.5.3 स्टेबल हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे इसके ऑल स्पेक्स में अगर चलते हैं तो यहाँ पर जो है आपको दिखा दो, ये जो है ओवरक्लॉक 2.2 है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है, और सिक्योरिटी पैच 1 जुलाई 2021 की मिल जाती है। कर्नल आपका 3.18 बेस जो है अंडरग्राउंड कर्नल देखने को मिलता है इसके अंदर। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आप जो है एसएन कलर को चेंज कर पाओगे, हालांकि जो थीम अप्लाई हुआ पड़ा है उसकी वजह से बाकी जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जैसे कंट्रोल सेंटर में रेड है एसएन कलर, तो आप जैसे ही डार्क मोड करोगे तो बाकी जगह भी जहाँ जहाँ अप्लाई नहीं होता वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो डार्क मोड पर अप्लाई हो जाता है, लाइट पर जो है अप्लाई नहीं होता, थीम वाला ही रहता है क्योंकि इसके अंदर आपको एक थीम अप्लाई मिल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी आप एसेंट कलर चेंज कर पाओगे। हार्डवेयर बटन लाइट का बग आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ये जो है काम नहीं करता है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके कंट्रोल सेंटर की तरफ तो कंट्रोल सेंटर आपका ज़रूर यहाँ पे काफ़ी स्मूथ आपको मिलेगा, हालांकि एडिट के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम पैनल की तो वॉल्यूम पैनल भी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, एसेंट कलर अप्लाई मिल जाता है इसके अंदर। और पावर मेन्यू अगर आप देखोगे तो पावर मेन्यू भी थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पे मिलने वाला है रिबूट एंड पावर ऑफ का, हालांकि एक्सटेंड आप कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन से। बाकी आपका ऐप ओपनिंग भी काफ़ी स्मूथ है, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप देख सकते हो और फास्ट भी है, तो इसमें आपको लैग देखने को नहीं मिलता इसके अंदर। वहीं अगर हम रिसेंट की बात करते हैं तो रिसेंट भी जो है आपका काफ़ी स्मूथ है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम आपका 4GB में जैसे कि 1.7GB तक जो है फ्री देखने को मिलता है। कॉलिंग के अंदर अगर हम चलते हैं तो कॉलिंग में आपका वोल्टी काम करेगा, ब्लूटूथ ऑडियो आपका काम कर रहा है, वीडियो कॉल काम नहीं करता, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ जो है जैसे कि व्हाट्सअप ड्यू इन सब जो है वीडियो कॉलिंग आप कर पाओगे। और अगर हम यहाँ पे चलते इसके कैमरे की तरफ तो कैमरा आपका MIUI वाला जैसे कि मिलता है, पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करता, और इसका जो वाटर मार्क है वो भी जो है यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, काम नहीं करता इसका। और वीडियो क्वालिटी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे 4K 30fps तक का जो है वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप GCam यूज़ करते हो 8.1 काम कर रहा है, बस स्लो मोशन काम नहीं करता। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड पोर्ट्रेट मोड पिक्चर क्लिक आराम से आप कर पाओगे, उसमें आपको दिक्कत देखने को इसके अंदर नहीं मिलती है। वहीं अब हम चलते हैं गैलरी की तरफ तो गैलरी भी अगर आप देखोगे इसकी तो गैलरी भी आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलती है, जिसमें एडिट में अगर आप जाते हो तो एडिट के अंदर भी आपको स्काई या फिर फिल्टर आपको सभी जो है देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। वहीं आपका जो टूल्स है इसके अंदर FM आपको नहीं मिलता, लेकिन आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है, और ये लेटेस्ट है। इसमें आपका क्वालिटी 100 MBPS तक का मिलेगा, फ्रेम रेट आपका 30 FPS तक देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जो है मैजिक मैनेजर प्री इंस्टॉल मिल जाता है, हालांकि आपको इंटरनेट ऑन करके सेटअप करना है, बस ओके कर देना, इंस्टॉल करना है, रिबूट होगा, लेकिन इसके अंदर सेफ्टी नेट पास नहीं मिलता, तो मैजिक आपको हाइड करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। साथ साथ आपका जो प्ले स्टोर ये भी जो है सर्टिफाइड नहीं है, तो उसी वीडियो पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप वीडियो देख लेना, मैजिक ऑल प्रॉब्लम वाली डिस्क्रिप्शन और IB10 पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे अगर हम चलते हैं फाइल मैनेजर की तरफ तो ये भी MIUI 13 वाला ही आपको मिलता है, तो एप्लीकेशन ज़्यादातर आपके लेटेस्ट ही देखने को मिलते हैं इसके अंदर। हालांकि यहाँ पे आपको जो है एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जो कि आपका लोकेशन का, यहाँ पे GPS जो कि आपका काम नहीं करता इसके अंदर, तो ये एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने की पड़ेगी। मैं यहाँ पे गूगल मैप का पूरा परमिशन यहाँ पे दे दिया हूँ, जैसे कि काफ़ी सारे यूज़र जो है बोले थे इस चीज़ के लिए चेक करने के लिए, तो यहाँ पे बग है इसका। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग की तो MI शेयर मिल जाता है, कास्ट आपका काम कर रहा है। और यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपका जो यहाँ पे वॉलपेपर से, हालांकि सुपर वॉलपेपर यहाँ पे दिया गया जो कि यूजलेस है, लेकिन नीचे आपको वॉलपेपर जो दिया गया है इनका आप यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वॉलपेपर्स की फिलहाल कमी नहीं है, तो आप जो है वॉलपेपर्स काफ़ी सारे यूज़ कर पाओगे इसके अंदर। और थीम आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप थीम जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, हालांकि थीम स्टोर आपको चाइनीज़ देखने को मिलेगा, बाकी आप यहाँ पे थीम इंपोर्ट कर सकते हो। और बाहर हमारा जैसे कि ऑलवेज ऑन हो गया यहाँ पे, तो ऑलवेज ऑन तो काम नहीं करेगा, बाकी डबल टैप टू बैक आपका काम करता है, चार्जिंग एनिमेशन तीनों आपके नॉर्मल देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और बाहर आपका जैसे कि डिस्प्ले हो गया, तो डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे रीडिंग मोड काम कर रहा है, कलर स्कीम आपका वर्किंग मिल जाता है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, रोटेशन आपका वर्किंग है। और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में चलते हैं तो यहाँ पे साउंड जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे बूट ऑडियो ये सब आपको मिल जाता है, हालांकि साउंड इफेक्ट जो है आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, इसका बग आपको मिलेगा।
और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर भी आपका कंट्रोल सेंटर स्टाइल मिल जाता है ओल्ड एंड न्यू के लिए। बाकी स्टेटस बार की सेटिंग्स भी आपको यहीं पे मिल जाती है जैसा कि, और अगर आप चलते हो होम स्क्रीन में तो यहाँ पे आपका जो है सर्च बार आप एक ही ऐड कर पाओगे, साथ साथ यहाँ पे आपका जो ऐप बोल्ट है या फिर गूगल डिस्कवर है ये यूज़ नहीं कर पाओगे, इसका प्रॉब्लम आपको मिल जाता है। सर्च बार एक ही आप यूज़ कर सकते हो, बाकी नीचे आपको ये अरेंज आइटम इन रीजन देखने को मिल जाएगा। और सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे तो सिक्योरिटी के अंदर हमारा फेस अनलॉक काम कर रहा है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिली है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है ऐड नहीं हो रहा है। तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी कभार सम यूज़र पे ये जो प्रॉब्लम आ जाती है परसिस्ट या फिर ये सब प्लस कर दो तो फिक्स हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए कॉमेंट करके बताना कि अगर आप यूज़ करो तो आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। बाकी यहाँ पर आपका प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट देखने को मिलता है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है ये लेटेस्ट है। और अगर हम यहाँ पे फिलहाल चलते हैं बैटरी में, तो बैटरी भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिल जाती है, बैटरी में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक आपको मिल जाएगी बैटरी भी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने ऐप्स के अंदर, तो यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं इसके ऐप्स में, तो ऐप्स में आप डुअल ऐप ऐप लॉक आप यूज़ कर पाओगे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको लैंग्वेज जो है काफ़ी सारी मिल जाती हैं, और इसके अंदर आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज भी अवेलेबल मिल जाती है, तो ये भी जो है अवेलेबल है। और अगर हम यहाँ पे देखें नीचे, तो नीचे भी जो है काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं इसके अंदर। बाहर रीजन आप चेंज कर सकते हो। फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो दिया गया है ये आपका हाइड रहता है, हालांकि नेविगेशन बार जो दिया गया है तो इसे इनेबल कर लेना, नेविगेशन पिल जो दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है, आप नेविगेशन बटन भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी जो है लैग नहीं मिलता, और आपका जो जेस्चर है ये भी काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है। हालांकि स्मूथनेस की जैसे कि बताया था काफ़ी स्मूथ है, स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, लेकिन आपका ओके गूगल इसके अंदर काम नहीं करता, उसका भी बग है। नोटिफिकेशन लाइट आपकी बिल्कुल अच्छे से काम कर, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जैसे कि आपको बताया था डेवलपर ऑप्शन आप इनेबल कर लेना, उसके अंदर से आप एशियन कलर्स को चेंज कर पाओगे। बाकी कुछ जगह अप्लाई नहीं होता, उसके लिए डार्क मोड करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। और स्क्रीन टाइम मिल जाता है, इन स्पेशल फीचर्स हो गया आपका गेम टर्बो के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे VGMI को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता है, मैनुअली ऐड करना पड़ता है। बाकी फ्लोटिंग विंडो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। वहीं एंटूटू स्कोर देखोगे तो 104,777 है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को हमें इसके अंदर MIUI भी देखने को मिला है यहाँ पे। तो देखेंगे गेम प्ले कैसा है। फिलहाल हम बात करते हैं बूट एनिमेशन के बारे में। हालांकि बूट लोगों पे आपके टाइम लगता है, लेकिन बूट एनिमेशन पे टाइम नहीं लगता। बूट एनिमेशन आपका MIUI 13 वाला जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे हम चलते हैं गेम में, तो गेम टर्बो के अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ पे नॉर्मल ही है उसे तो। और आपका जो ग्राफिक है इसकी भी क्वालिटी थोड़ी लो मिलती है, जैसे कि नॉट 4 में कुछ रोम्स में MIUI पे देखने को मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राफिक थोड़ी लो क्वालिटी की है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे ग्राफिक के अंदर, तो यहाँ पे सुपर स्मूथ भी दिया गया है, हालांकि बैलेंस पे मीडियम है, सुपर स्मूथ पे हाई है, और स्मूथ पे हाई तक मिलता है, तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस को लेकर के, तो जैसा कि यहाँ पे इसका स्कोर था एंटूटू, उसके हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलता है इसका जो ग्राफिक मेन यहाँ पे मेरे को दिक्कत देखने को मिला, इसका जो ग्राफिक लो है उसकी वजह से। अगर आप यहाँ पे जो है 90 FPS वाला जो पैच आता है, अगर आप उसे फ्लैश करते हो, तो ये ग्राफिक लो क्वालिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी फिक्स हो जाएगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा सा चिपकता टाइप से है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीजिंग इशू आपको देखने को मिलती है, उसकी वजह से जो गेम आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे। बाकी ऐसे जो है कभी कभार काफ़ी अच्छे तरीके से चलने लग जाता है, कभी कभार जो है दिक्कत ये देता है। तो पूरी तरीके से जो है मतलब आपको स्टेबल जैसे कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए इसके एंटूटू स्कोर के हिसाब से, तो ऐसे ही आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ठीक ठाक जो है आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ये रोम मिल जाता है। जो बग्स थे आपको यहाँ पे बता ही दिया हूँ कौन कौन से बग्स अभी फिलहाल आपको मिलते हैं इसके अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और इंस्टॉलेशन जैसे बाकी आप रोम करते हो, सिंपली आपको रोम डाउनलोड करना है, रिकवरी पे जाना है, डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैश, इन पाँचों ऑप्शन को वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद रोम फ्लश करना है, रोम जब आपका फ्लश हो जाए तो सिंपली वाइप कैश करके रिबूट कर देना है, तो बिल्कुल सेम आपका बाकी रोम्स की तरह ही है जैसे कि आप बाकी MIUI रोम करते हो फ्लश। तो बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।